उससे ज्यादा मोबाइल का बिल कैसे क्यों हो गया ये? क्या सोच रहे हैं? अब और कोई पार्टी ही ना दिख रही या बीजेपी? नहीं, पार्टी तो है, पार्टी तो मायावती जी है, अखिलेश यादव है, कांग्रेस है, बीजेपी है। जमनारा मायावती खेल गई जी, अखिलेश मुसलमान में चाचा है। अरे आ जाए तब ना, घोषणा तो बहुत होती है। बस हम नहीं जानते ना, पेज जानते ना, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये वो सपा सरकार तो बिल्कुल चाहिए ही। मैं कोई ऐसा राजनीतिक दल पे बात नहीं करता। मैं जी जी नहीं करनी चाहिए नहीं। आप जैसे युवा अगर सजग नहीं रहेंगे तो देश कहाँ जाएगा? देखिए प्राथमिकता सरकार की रोजगार पॉलिसी, देखो मानवता का संरक्षण बढ़िया हो जाए उससे ज्यादा क्या है यार। हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं है सब, टोटल एक तो राजनीतिक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। और सरकार को हमेशा आते हैं तो महंगाई को नजरअंदाज कर रही है। कहीं भी हो जाए चाहे दूनी हो जाए, इससे बीजेपी आप मेरी राय है भाई यार, ये सब ये तो है मोदी मोदी का है, कुछ हाथ उसमें मीडिया का भी है, इतना नहीं आ रहा। बीजेपी वाले 9-9 से वोट लेना चाह रहे हैं। एक भाई साहब कह रहे थे कि मेरे खाते में 15 लाख नहीं, बेरोजगारी इनकी में जितनी बड़ी है उतनी पिछले कभी किसी में। कौन? योगी सरकार जी। उठाया जा रहा है ना, हमारा देश पहला देश है जिसमें हमें अपने देश की तरफ देखना चाहिए, हमारे देश में क्या सुविधा है, क्या होनी चाहिए, क्या जैसे चलना चाहिए वही होना चाहिए, बाकी जाति भाती के नाम पर बात नहीं। सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी की चाहिए, होनी भी चाहिए जी। रहेगा हिंदुत्व रहेगा या राम मंदिर रहेगा? नमस्कार सर, 2022 में क्या लग रहा है मोदी को? इस बार ये लग रहा है कि इस भाजपा का सफाया होना चाहिए, भाजपा का सफाया होना चाहिए। 2000 रुपए जो खाते में आ रहे हैं उसका कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो तो खाली विश्व दी जा रही है। क्या बीजेपी बचा देगी? आएगी तो बीजेपी जो मर लो मत जाओ, बढ़ जाओ बढ़ चलो जाओ, जाओ जो कोई पद मिल रहा है वो तो भ्रष्टता है, जिसको नहीं मिल रहा है पद वो ईमानदार है। आप बीजेपी में बैठेगा? बीजेपी में नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवार टीवी। उत्तर प्रदेश में चुनावों की घोषणा हो चुकी है, 2022 में चुनाव हैं और दिसंबर की इस कड़ाके की ठंड में भी चुनावी माहौल खासा गर्म दिख रहा है। हम जनता के बीच गए और जनता से हमने राय ली और ये जानने की कोशिश की कि इस बार जब वह वोट डालने जाएंगे तो उनके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी। लोगों की प्रतिक्रियाओं से इतना तो साफ है कि इस बार इलेक्शन में काफ़ी बहुत ज़्यादा रोमांच देखने को मिलेगा। लगभग संतुष्टि, लगभग संतुष्ट है। और जब लगा रहे हैं अपने प्रोडक्टों में, गौमूत्र लगा रहे हैं, गोबर लगा रहे हैं, तो उससे भी तो किसानों को बेनिफिट मिलना चाहिए। बिजली से परेशान है, खाद से परेशान है, तो 2000 रुपए जो आ रहे हैं सालों से परेशान है। इसमें आप बीजेपी से संतुष्ट? तो आप संतुष्ट नहीं है फिर? नहीं, फिर बीजेपी गुनाह कर रहे हैं आप। जो काम हो रहा है कुछ काम से संतुष्ट है, कुछ काम से संतुष्ट नहीं है। मतलब आप ज्यादा संतुष्ट हो? मतलब आप सरकार तो यही चाहते हैं, लेकिन सुझाव है आपका? सुझाव है सरकार, आप यही चाहते हैं, लेकिन सरकार को अपने में कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए, जो मतलब अखिलेश यादव जी हैं उन्होंने कहा कि योगी बाबा जैसे हैं और ऐसे ही उनकी जो राज्य है उनके राज्य में खुले सांड घूम रहे हैं, लेकिन अगर हम आते हैं तो 5 लाख रुपए देंगे अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो उनके शासन में जी एल बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, स्वयं गुंडागर्दी होती है, उसको कौन रोकेगा? उस चीज से तो हम फिलहाल सुरक्षित है। हम ये सरकार की कमी है, जनता की जी, किसान ही और दोस्त जी, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं, बिल्कुल एक परसेंट दुनिया में ऐसे भ्रष्ट है जी। राजनीति में कोई अच्छी और बुरी का पहचान नहीं है, पर भ्रष्ट जो है बहुत से तो दारू पे बिक जाते, मतलब जो जो माहौल खराब किया जा रहा है वो राजनीतिक कारण भी है, उसमें कारण भी होते हैं। राजनीतिक कारण नहीं होगा तो पैसे क्यों लौटा? मान लो मत जाओ, बढ़ जाओ बढ़ चलो जाओ, जाओ जो कोई पद मिल रहा है वो तो भ्रष्टता है, जिसको नहीं मिल रहा है पद वो ईमानदार। आप किसान है पैसे से? हाँ जी किसान। तो आप कितने खुश हैं किसान की मतलब जो योजनाएं हैं इस वक्त वर्तमान सरकार ने चला रखी है, आप उससे खुश हैं या परेशान हैं? क्या है किसान के लिए? तो हम खुश हैं और उनके काम से भी खुश हैं इस बार।
अखिलेश जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो सांड से लड़ाई करने वाले को 5 लाख रुपए देंगे। वो तो बहुत गलत है। अखिलेश सरकार में तो ऐसा है कि वहाँ में तो और भी ज्यादा भ्रष्ट बैठे, ये तो देश के लिए गद्दार है, कोई ना कोई गद्दार हो जाता है देश के लिए। जी सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी की चाहिए, होनी भी चाहिए जी। उसे या फिर नाराज है ये बताइए। नाराज सर, 2022 में क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी जी। आधार क्या रहेगा जब आप वोट डालेंगे उस वक्त? आधार कार्ड रहेगा। आपका जो तर्क है वो क्या है इसके पीछे? राष्ट्र सुरक्षा और गाय की है, राष्ट्र सुरक्षा चाहिए। और ये धर्म बड़ा है या देश बड़ा है ये बताइए आप। देश बड़ा है, देश बड़ा है, देश बड़ा। तो जब देश बड़ा है तो इस देश में सारे धर्मों को बराबर हक होना चाहिए, हक होना चाहिए। तो ये हिंदुत्व की आंधी कैसे चले गई? आंधी कैसे चलेगी? हिंदू राष्ट्र है पहले से, ये तो हिंदू चलेगी चलेगी। चंद्रमा सूर्य के बीच में रहते हैं, वो यहाँ की बात करें, वो पाकिस्तानी बात क्यों करते हैं फिर? नहीं तो सारे मुसलमान थोड़ी करते होंगे है जी, सारे मुसलमान ज्यादा तो लोगों की धारणा ही है। तो आप इस वक्त इस बार जब बीजेपी को वोट देंगे तो हिंदुत्व दिमाग में होगा? दिमाग है बिल्कुल। देश को मुसलमान फ्री बना देंगे, मारना होगा मारेंगे, काटना होगा काटेंगे, तो वो सही है क्या आपके हिसाब से? नहीं, वो जैसे समाज रहता शांति हिंदू समाज शांति है, शांति है, पैसा ही नहीं है। नहीं तो बोलने की उसकी बात तो करें जी। देखिए यहाँ के बांग्लादेशी बात करें, कौन रहने देगा उसके घर में? जिस घर में चोर नजर, कौन दसने देगा चोर को? तो करना पड़ेगा उसका। आप सरकार के कामों से पूरी तरीके से संतुष्ट? सर ये एक भाई साहब थे, वो कह रहे थे हमारे खेतों को गाय खा गई हैं और सांडों से बड़ी परेशान है। तो आपको भाइयों से, उन भाइयों से पूछो क्या मन के बाद वो भाई साहब आप मंदिर देख लें, मैं गाय बन जाऊँ तो क्या उनको मार देंगे वो? उन्होंने कहा, एक भाई साहब ने ये कहा था कि जी ये पहले कट जाते थे, अब ये कट नहीं रहे। नहीं कटना भी चाहिए कायदा में, तो नहीं करना चाहिए। तो जीव आत्मा जितना जी समय जिएगी उतने समय जीवित रहना पड़ेगा जीव आत्मा के लिए। तो ये जो गाय और सांड छूट रहे हैं या भाग रहे हैं, इनमें सरकार का क्या दोष है? नहीं, कोई दोष नहीं। कोई कौन? योगी सरकार, योगी सरकार, योगी सर, योगी जी। जी आप स्टूडेंट हैं तो बेटा आप क्यों अच्छे लगते हैं योगी जी, आप बताएंगे? अच्छा काम करते हैं, अच्छे लगते। बीजेपी प्रदेश में तो योगी जी है, मोदी तो केंद्र में है, दोनों ने तो आप सरकार के सारे कामों से खुश हैं? और ये सर पीछे आपके जो सांड घूम रहे हैं, गाय घूम रही है, उनका गाय जो घूम रही है गांव में, उनका क्या होगा? सरकार की कोई कमी नहीं है, सरकार की कोई कमी नहीं है। तो लोग जो शिकायत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं फिर? जी नहीं, मैंने नहीं कहा कि आप कटवा जी दूध पीता बाद में छूट देता है जी, हमारा नुकसान करता है, हम छोटा बड़ा धंधा कर रहे हैं जी। नहीं लोग ये कह रहे हैं कि योगी सरकार की बहुत बड़ी कमी है कि गाय सांड क्यों छोड़े जा रहे हैं, तो मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ, योगी सरकार की वाकई कमी है क्या? नहीं, हम तो गलती मानते हैं जी। तो 2022 में किसको देंगे आप फिर? मैं तो वही योगी रहेगा, हिंदुत्व रहेगा या राम मंदिर रहेगा? अगले सरकार में तो रहेंगे ही नहीं सर, सब कट जाएंगे। हाँ कट जाते हैं। योगी सरकार वापस आएगी या फिर बदलाव होगा? बदलाव नहीं होगा, सरकार आएगी। हाँ आपका आधार क्या है इसके पीछे का, हिंदुत्व या विकास या राम मंदिर? हिंदुत्व, विकास जी। अब एक मुसलमान भाई साहब थे, उनकी सब्जी की दुकान थी, उनकी सब्जी की दुकान इसलिए हटवा दी कि वो मुसलमान है, तो ये सही है? ये तो गलत है, ये गलत है। तो आप मतलब आप किसान है आप? हाँ जी किसान है। तो ये जो गाय और सांड घूम रहे हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ये तो आती है, ये तो हमारी कमी है जी, तो हम छोड़ रहे हैं। कुछ लोग सरकार की कमी बता रहे हैं ना, इसलिए मैं हम अपनी भैंस को क्यों नहीं छोड़ते, जो आवारा होती है वो काम की होती है इसलिए। जी जी गाय को क्यों छोड़ देते हैं? एक एक गाय सब पा रहे हैं तो ये समस्या खत्म हो जाएगी जी। नहीं एक भाई साहब ने ये कहा कि जी गाय को रख लो, सांडों को कटवा दे, तो जीव तो वो भी है सर, जीव हत्या तो मेरे हिसाब से जायज नहीं है, हत्या नहीं होनी चाहिए जी। तो 2022 में फिर सरकार कहीं नहीं जा रही है भाजपा की बनेगी? ये सपा तो आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुंडागर्दी, लूट मार, चोरी, डकैती, जहाँ तक लेडीज मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो सर लखीमपुर खेरी में केस हुआ था, वो किसकी सरकार में हुआ? वो जो सर केस हुआ लेकिन उनकी सजा नहीं मिली। नहीं तो सजा तो ऐसे ये सरकार में माफ किसी को नहीं करा जा रहा, चाहे अपना हो या पराया हो जी। ये सरकार ऐसी है, ईमानदार सरकार है, बढ़िया सरकार है। ये बताइए 15,000 रुपए की वो कह रहे थे, 15 लाख की वो कह रहे थे, अब सरकार कितना करे? राशन फ्री दे रही है, और जहाँ तक है गैस कनेक्शन, गैस सिलेंडर सब फ्री में दिए, घर घर शौचालय बनवाई, लाइट भी दी। महंगाई का कोई असर नहीं पड़ेगा? महंगाई का असर तो देखो जी, महंगाई है, महंगाई तो किसी पे कम नहीं होगी, चाहे कोई भी सरकार आ जाए,
बीजेपी को छोड़ के कोई भी सरकार आ जाए किसी को भी ले लो तो महंगाई बढ़ेगी। सर 2022 में क्या लग रहा है आपको? भाजपा जीतेगी। भाजपा वो आधार क्या रहेगा सर? आधार क्या रहेगा? भाजपा ने बहुत अच्छा किया है, जो राम जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि उनका मुद्दा उठाया है और सबसे बढ़िया है। सपा सर, सपा के लोग तो ये कह रहे हैं कि जो राम मंदिर बनाया है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, इसमें सरकार का क्या मतलब है? तो उन्होंने दिया तो विश्व हिंदू का सहयोग तो रहा है और सरकार में क्या नहीं बना? उनके सरकार में उसमें क्या हुआ? तब उन्होंने मुलायम सिंह ने तब कार सेवकों पर गोली चलाई और सैकड़ों राम भक्त मारे गए, गोली चलाई गई, मारे गए। तो आपका जो तर्क है वो हिंदुत्व है? हाँ, हिंदुत्व है। तो इस बार आपके हिसाब से बीजेपी कहीं नहीं जा रही है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं जा रही है, तो नहीं कह सकते हैं। भाजपा का हमारा समर्थन है। समर्थन है पूरा। तो सर महंगाई को आप दरकिनार कर देंगे? ऐसा महंगाई तो हर शासन भी जाती है। सब महंगाई आती है जी। और फिर इतना है, लॉकडाउन लगा है तो सरकार के सामने क्या समस्या है? मान लो दवा दी है और उन्होंने क्या इसलिए सब काम किया है। योगी बाबा के बारे में आ रहे हैं लौट के वापस? पक्का। तो आपका तर्क क्या रहेगा, आधार क्या रहेगा आपका वोट देने के पीछे का क्या आधार है आपका? हिंदुत्व तो है तो ये चोरी डकैती बंद है, ये बहुत है बस। चोरी डकैती बंद है बस। योगी कब जा रहा? योगी आ रहा हूँ। क्या कौन बोल रहा है? टका हुआ मुसलमान सब काट के बेच लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। सार नहीं रहेंगे मतलब उस समय सब काट के बेच लेंगे, उसमें काट के तो टकराएगा नहीं तो देना भी नहीं पड़ेगा। देना नहीं पड़ेगा वाली चीज ही ना रही। मतलब वोटर भी बड़े तेज है, मतलब वोटर भी बड़े तेज है। चलिए अच्छी जी। तो सर आप ये बताइए कि जो गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, जिसके पीछे स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर ले लेके सड़क पे बैठती थी पहले, आप उसको दरकिनार कर देंगे? महंगा तो हुआ लेकिन बिल तो टाइम से रहो। तो सर अब जब कोटा लेने जाते हैं तो तीन तीन दिन तो वैसे भी घूमते हैं लोग। हम राशन लेने गए, सिलेंडर लेने गए, 300 रुपए तीन दिन में मिला तो 900 रुपए की हमारी वही चली गई जी। अगर यहाँ में 300 रुपए पड़ गए तो कोई बात थोड़ी है, 600 रुपया तो बच रहे हैं। तो आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? पूरी तरह संतुष्ट हैं। आपका अनुमान क्या कहता है ऊंट किस करवट बैठेगा 2022 में सर? अरे ऊंट तो सीधो सीधो बैठो हो, ठीक कमर हो है जी। वो तो बैठो हो है। नमस्कार सर, 2022 में क्या लग रहा है मोदी को देना? इस बार ये लग रहा है कि इस भाजपा का सफाया होना चाहिए। भाजपा का सफाया होना चाहिए। नमस्कार सर, 2022 में क्या लग रहा है मोदी को देना? इस बार ये लग रहा है कि इस भाजपा का सफाया होना चाहिए। भाजपा का सफाया होना चाहिए। सफाया होना चाहिए। सर तर्क क्या है इसके पीछे का, नाराजगी क्या है? ये जो है ना, जो इन्होंने ये जो राशन दे रहे हैं जी, इससे जनता और जो है वो होगी कमजोर का मतलब ये हराम ही बना दी इन्होंने जी, जो काम करने लायक नहीं जी। आज में नमक दे रहे हैं। अच्छा ये काम इन्होंने जो अब कर रहे हैं जी, इन 2 महीनों में ये काम तो इन्हें 4 साल पहले से करना था, कहना था सबके लिए राशन की इन 2 महीनों में ये काम तो इन्हें 4 साल पहले से करना था, कहना था सबके लिए राशन की। तो सर मिलता तो पहले भी था, मात्रा डबल कर दी है। 5 किलो मिलता था, आज क्यों ढेर सारा दे रहे हैं ये? कौन दे रहे हैं, क्या कारण है? सर लॉकडाउन के बाद में लोगों के काम भी कम हुए हैं, इस वजह से सरकार दे रही है। तो काम तो इन्होंने, बेरोजगारी तो इन्होंने फैलाई है। तो सर बेरोजगारी किसकी सरकार में नहीं थी? बेरोजगारी इनकी में जितनी बढ़ी है पिछले कभी किसी में, हर आदमी काम कर रहा है। सर परसों इन्होंने 17,000 नौकरियां निकाली है प्राइमरी स्कूलों में निकाली, और योगी जी ने कहा है कि हमने इस पंचवर्षीय में 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में सर? मैं तो कोई नहीं नजर आ रहा, नजर नहीं रोजगार देना क्यों? मास्टरों की भर्ती कर रहे थे, इन्होंने आज तक मास्टर भर्ती नहीं की, कहते हैं जरूर करते नहीं तो शिक्षा में अभी तक इन्होंने एक भी भर्ती नहीं की। तो शिक्षा मित्र जो है धरना देते भय अगड़म झड़म करते हुए तो परेशान है। तो सर क्या लग रहा है फिर कौन आने वाला है आपकी नज़र में? सरकार बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। सर दूसरी सरकार तो जैसे सपा सरकार की बात करें, ये कहते हैं उसमें तो गुंडागर्दी होती है, यही कहते हैं गुंडागर्दी होती है और कोई नहीं कहता। और मायावती के राज में ये कहते हैं कि वो जी सारे पैसे खा जाती है। सरकार तो जो आती है बदलती रहेगी, और अभी जो 350 करोड़ का पीयूष नहीं 350 करोड़ का पीयूष जैन वाला मामला है, उसको भी सपा सरकार से कनेक्ट करके बताया जा रहा है। ये गलत कह रहे हैं, ये इन्हीं का खुद का आदमी है। इन्हीं का खुद का आदमी है, इन्हीं का खुद का आदमी है।
उनको गलत कह रहे हैं और उसके धन को ये सफेदपोश करने के इसमें चल रहा है। उसका धन होता है तो खड़ा हो गया होता, काम तो चल रहा है उसमें, नहीं चल रहा। इन्होंने तो आगे को टालना है कि हम जो मुद्दा बना रहे हैं हमारा, उधर इन्होंने उधर पर लगा दिया ये कृष्ण जन्म भूमि पर। तो वो जो सरकार ने हम ये मंदिर का तो कर दिया जी, ये रोजगार दे रहे हैं इन्होंने, कौन किसको रोजगार जी, इन्होंने छीन लिया। आपकी नाराजगी, बिजली के बिल बढ़ गए, बिजली बेच दी इन्होंने, ये तो उसको भी बेचना जा रहे हैं, रेलवे को भी। सर इसके पीछे का ये तर्क है कि प्राइवेटाइजेशन आएगा तो तरक्की होगी देश की? तरक्की नहीं होगी जी, वो कमजोर आदमी और पिछड़ा चला जाएगा, भीड़ जो है बढ़ता जाएगा, पूंजीवादी बढ़ती जाएगी, तो कमजोर तलबे का आदमी वो और नीचे चला। तो ये लोग कह रहे हैं नेता लोग जी, जनता को लड़ाने के लिए जी, अपने भले के लिए, आम जनता जागरूक है, आम जनता जागरूक है इस चीज से, जनता नहीं लड़ना चाहती। चुनावी माहौल है आपके, चुनावी माहौल है, न हिंदू लड़ना चाहता है न मुसलमान लड़ना चाहता है, ये तो इनका खुद का माहौल है बनाना, जनता भड़के और हमारे पक्ष में वोट पड़े। तो ये चुनावी चीजें हैं, ये तो चुनावी मुद्दे हैं। तो आप खुश नहीं हैं फिर इसका मतलब है? सरकार से आप इस वक्त खुश नहीं हैं, आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। चलिए अंकल जी, बदलती रहेगी सरकार तो विकास होता रहेगा। गुंडागर्दी कम रहेगी, ज्यादा सरकार ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी ज्यादा होने लगेगी फिर? नहीं लगेगी, हर कोई नहीं चाहता। तो गुंडागर्दी जमाने पीछे की वो आगे कभी सरकार, तो गुंडागर्दी में उनकी सरकार चली गई, ये सरकार आ गई है ना, फिर ये तो वो आती है तो गुंडागर्दी करेंगे तो फिर वो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, कोई नहीं चाहता। चलिए तो सर एक बात बताइए, ऐसे कितने नेता हैं जिन्होंने जुमले बोले और पूरे नहीं हुए? नहीं तो हो सकता है जुमला भी तो हो सकता है उनका, कैसे हो जाएगा जी? मोदी जी जो बात कहते हैं वो करते हैं जी। मोदी जी का आज तक आप एक भी काम ये बताइए कि मोदी जी ने जो प्रस्ताव रखा और वो ना हुआ हो जी, चाहे वो राम मंदिर हो चाहे वो हिंदू मुस्लिम वाली बात। अच्छा चलिए उसको छोड़िए, आपने राम मंदिर का कहा तो राम मंदिर बन गया उससे आप संतुष्ट नहीं है? एक आध बात भूल भी जाइए क्या हो गया? नहीं कैसे भूल जाएंगे, अटा भी उठाया जा रहा है ना। हमारा देश ये पहला देश है जिसमें हमें अपने देश की तरफ देखना चाहिए, हमारे देश में क्या सुविधा क्या होनी चाहिए, क्या देश चलना चाहिए वो ही होना चाहिए, बाकी जाति भाती के नाम पर बात नहीं। सरकार है इस वक्त जी ये हिंदुओं को गुमराह करके और उनकी ही जेब पे डाका डाल रही है। मैंने उनसे लॉजिक पूछा, सर आपका लॉजिक क्या है कि देखिए 80% हिंदू है और 20% मुस्लिम है, लेकिन सिलेंडर जो महंगा हुआ है वो 80% हिंदू ही लेता है, लेकिन हिंदू ये कहता है कि हमारे लिए चाहे सिलेंडर और भी महंगा हो जाए लेकिन हम जो है हिंदुत्व के नाम पे या फिर जैसे भी भाजपा को ही वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये लग रहा है मतलब हिंदुत्व के नाम पर समेट कर लोगों की जेब पे डाका डाला जा रहा है? नहीं, जेब पे ढाका तो पूरा डाला जा रहा है, जो सिलेंडर हमको 500-400 रुपए में मिलता था वो आज 1000 रुपए का मिल रहा है जी। जो पेट्रोल हमको 60-70 रुपए लीटर मिल रही थी वो 110-100 रुपए लीटर मिल रही है। तो आप खुश नहीं है सरकार के काम से? बिल्कुल खुश है। तो फिर आपकी शिकायत क्यों आ रही है? शिकायत इसलिए आ रही है कि बाबा ने हमको 15 लाख रुपए देने का वायदा किया था वो नहीं मिल पा रहा है। वायदा तो टूटने के लिए होते हैं राजनीति में खास। नहीं तो फिर उन्होंने ये राम मंदिर क्यों बनवा दिया? नहीं राम मंदिर तो आस्था है सर देश के लिए, वो भी आस्था है लोगों के लिए। आप पैसे आप किसान है तो आप ये बताइए किसान कितना खुश है और कितना परेशान है? कितना ही परेशान हो अब ये बताओ, अगर और की सत्ता आया वही कौन सा काम करता है? अच्छा ये बताइए 2022 में आपके दिमाग में जब आप वोट बटन दाबेंगे तो उस वक्त क्या चल रहा होगा, क्या सोच के आप मतलब आपके दिमाग में क्या सोच रहेगी? अब और कोई पार्टी ही ना दी गई या बीजेपी? पार्टी तो है, पार्टी तो मायावती जी है, अखिलेश यादव है, कांग्रेस है, बीजेपी है। मायावती खेल गई जी, अखिलेश मुसलमान ने चार चार तो हिंदू की बात आई जी, तो गुंडागर्दी नहीं चाहिए, तो गुंडागर्दी नहीं चाहिए। तो नहीं सर आप ये कह रहे हैं गुंडागर्दी नहीं चाहिए, तो जो लखीमपुर में जो केस हुआ है सरकार है इसमें गुंडागर्दी होती है जी, छीना झपटी होती है, पैसे खुलती है, लूटपाट होता है, सरे मतलब कन्याओं से मतलब लेडीजों से सबसे छेड़ाखानी होती है, इसकी कोई सिफारिश मिल जाती क्योंकि वो खुद होंगे तो ये वो सपा सरकार को बिल्कुल चाहिए जी। तो महंगाई को नजरअंदाज कर रही है, भी हो जाए चाहे दूनी हो जाए इससे फिर भी मतलब बीजेपी। आप मैं तो पहुंच गए किसानों की, तो वो खा रहे होंगे बीचों, खा रहे होंगे सर ये तो मैंने तो निवेदन बना रहे खा रहे होंगे बीचों को। तो आपके दिमाग में क्या आधार रहेगा वोटिंग का? नॉन तीर्थ वोट मिला, नॉन तीर्थ
हाँ भाई साहब कुछ बता रहे हैं जी, 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 जी। मतलब महंगाई को नजरअंदाज कर देंगे आप? कोई महंगाई नहीं है। हाँ सर आप बताइए 2022 में नमक तेल तो वो रिश्वत का नाम दे रहे हैं आप? नहीं सर एक बताइए अंडे बांटना कौन सा रिश्वत हो गया बताइए? अंडे बांटना कौन सा रिश्वत हो जी? जब वो लैपटॉप बांट रहा हूँ जब वो गलत कर रहा हूँ बना रहा अच्छा ये अगर जो गलत कर रहा वो सही कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। कल अमित शाह जी आए दुनिया भर की बात कर रहा है गुरु के मंदिर बनाया मस्जिद बनाया जी मतलब रोजगार की बात होनी चाहिए मंदिर मस्जिद की बात होनी चाहिए। सर योगी जी ने तो कहा है कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दी, आप भाषण नहीं है उनका? भाषण दे रहे हैं अभी जो आ रहे हैं जी, भाषण आते पहले भाषण आना चाहिए थे। तो जो राम मंदिर बनवाया है और सर राम मंदिर तो आपकी पूरी नाराजगी है बीजेपी के साथ भैया, तो आपको क्या लग रहा 2022 में ऊँट किस करवट बैठेगा सर? तो भैया उनको मुलायम जी की है। चलिए और भाई साहब इसमें किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी बनेगी। बीजेपी तो सर ये जो लोग अभी मैंने इनसे इंटरव्यू लिया था ये कह रहे हैं जी महंगाई इतनी हो गई, सिलेंडर 900 रुपये से महंगा हो गया, दाल वगैरह है, तेल है, यही चीजें और क्या इसी से महंगाई होती है, किचन चलाना रसीव चलाना बहुत करना पड़ रहा है। एक भाई साहब अरे आ जाए तब ना घोषणा तो बहुत होती है, घोषणा तो बहुत देखी हमने लोग। अभी भाई साहब कह रहे थे कि 15 लाख रुपए आ गए हैं किसी खाते में, पता नहीं भाई साहब एक बंदे का भी दिखा दो मेरे को आप। अच्छा तो मतलब आप नाराज चल रहे हैं? नाराज तो अरे 2022 में जमीन वालों के लिए 2000 रुपए ठीक है, जिनके लिए जमीन उनके लिए क्या है? बोलिए हाँ ये तो हमारे पास पूरी जमीन नहीं है, हमारे लिए क्या मिलता है? ये आ रहे चला दे मार दे काट दे लेकिन हमारे बीजेपी को वोट है, बीजेपी का बिल्कुल बेटा आ रहे चला। आप तो स्टूडेंट लग रहे हैं, आपके मुंह की ऐसी बात अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है नहीं आप ये बताइए ऐसे लेकर कभी स्टूडेंट काम करने जाते हैं तो कोने गाँव चेरौली से जाते तो खा रहे हैं ना सारे साइकिल छीन लेते मारते, अब कोई भी ना मिला रात के 12 बजे भी आना। अच्छा आ रहे चला दे लेकिन वोट बीजेपी के लिए। ये जो तो सर ये बताइए नहीं नहीं आपकी बात मैं ठीक है, आपने कहा कि उन पर इतना आ गया, बीजेपी की सरकार है इस वक्त और ये जो पीयूष जैन के यहाँ पे छापा पड़ा है करोड़ों रुपए निकले हैं वो किसकी सरकार में निकले हैं बताइए? अखिलेश सरकार के? अखिलेश सरकार तो है ही नहीं, उन्हें जो है नेता उन्हीं के घर के सर ऐसे चलिए धन्यवाद। सरकार रोजगार भी तो दे रही है ना? क्या दे रही है? योगी जी ने कहा है कि कुछ नहीं, योगी जी ने कहा है कि 4.5 लाख नौकरियां हमने दी हैं। किसके लिए? लोगों के लिए दी हैं उत्तर प्रदेश में। अगर आप किसी गांव में अगर हमारे लिए बताइए मिली हो किसी कुछ नहीं मिला तो आपका क्या नजरिया कहता 2022 में? सरकार तो किसी की भी होने अगर खुशी नहीं है लेकिन गरीबों को तो गरीब ही रहेगा। नहीं आप इतने एक्टिव हैं तो आपको बता दो होगा कि क्या आइडिया लग रहा है? लहर है किसकी लहर कभी चलती कभी किसकी लहर चलती है इस वक्त क्या लग रहा है? इस वक्त क्या लग रहा है? कुछ नहीं टक्कर दोनों की बराबर है, जो होगा तो किस्मत बदल देगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप ये बताइए जो राजनीति चल रही है इस वक्त विकासवादी है या हिंदुत्ववादी है? हिंदुत्ववादी चल रहा है और कुछ नहीं है। तो जो धर्मगुरु थे जिन्होंने मंच से भाषण दिया था कि हम मुसलमानों को साफ कर देंगे और एक मुसलमान मौलाना भी किसी को कोई नहीं कर सकता जी, तो ये जो हिंदू रहेगा मुसलमान मुसलमान रहेगा तो ये जो भाषा चल रही है आप गलत मानते हैं इसको? कैसे जो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगे तो आप इस भाषा कैसे बन जाएगा? मुसलमान किसी को मरवा दोगे क्या? मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, आप गलत मानते हैं मुसलमान मुसलमान रहेगा जी, लेकिन हिंदू बात थोड़ा सा हिंदू के लिए। महंगाई तो कभी भी कम नहीं होगी, महंगाई क्या कम हो जाएगी बताइए? चुनाव है चुनाव बाद दूनी महंगाई हो जाएगी। सर एक बात बताइए महंगाई कम नहीं होगी तो पहले मजदूरी 80 रुपए मिलती थी, अब कितनी मिल रही है? 300 रुपए। तो फिर जब मजदूरी भी तो बढ़ी है ना? कितनी? पहले तेल 60 रुपए किलो मिलता था। हाँ ठीक है, अब तेल 60 रुपए का, सुनो तेल 200 रुपए किलो है आज जी, रिफाइंड 200 है ठीक है, दाल 150 चल रही है, कितने डीजल 200 चल रहा है, कितने पेट्रोल 150 चल रही है। तो सर एक बात बताइए जो सरसों है इस बार 8000 7000 6000 खरीदी गई है, तो जब सर
तेल तो महंगा होगा ही, किसान को रेट भी चाहिए और फिर उनको महंगाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे सुनो सुनो, जिन्हें के पास जमीन नहीं है वो क्या करेंगे? सबको सबको समझ के चलना चाहिए सामान। तो सर जो सरकार है वो राशन भी तो बांट रही है ना, हर महीने दो बार राशन भी तो मिल रहा है ना आपको? राशन मिलता है, राशन भी सहायता मिल रही है, ऐसी बात नहीं, मिल रही राशन को सहायता मिल रही है। हेलो बाबू जी, हम बोल रहे हैं झाड़ू वाले, हम झाड़ू एक एक पाँच पाँच रूपए दस दस रूपए की बेच रहे हैं, हमारे कुछ रहे ना जगह न जमीन है बाबू जी। मोदी साहब जितना हो तो हमको मंगा लो, नहीं बाबू जी झाड़ू दस रुपए की बेच रहे हैं, हाथ पांच जो रहे बाबू जी हमारे पास कुछ जगह जमीन नहीं है। तो हम मान लो साहब बोल रहे हैं तो राशन नहीं मिलता आपको? हमको कुछ नहीं मिल रहा था, ना गांव में मिलता ना गली में मिलता, हम अपने बसर कर रहे थे। तो आप सरकार के काम? हम बांदा जिला के रहने वाले फतेहपुर जी, फतेहपुर खागा जी, हम उधर के रहने वाले बाबू जी, इधर बाबराले में रुक रहे हैं गंगा के किनारे। अच्छा। हमारा ठाक कुछ नहीं होता है। तो आप क्या, आपको क्या लग रहा है 2022 में किधर बटन दाब रहे हैं आप? अब बस हम नहीं जानते ना, तेज जानते ना, पढ़े लिखे नहीं सोच रहे हैं, सोच रहे हैं वोट जो है डाला जाता है, ऐसे नहीं है की मैं पता कि प्राइवेट सेक्टर में मोदी जी का कोई जमीन नहीं। मैंने तो सुना है कि मोदी जी को लोग इतना उल्टा सीधा कहते हैं कि बनियाओं की सरकार है, प्राइवेट सेक्टर पे क्यों नहीं ध्यान होता? व्यापारियों की सरकार है। तो फिर बनिया तो प्राइवेट सेक्टर में ही आते हैं सर। उनका जो है 10 की चीज जो 20 में बिक रही है जी, 10 की चीज जो 20 में बिक रही होंगी। नहीं तो किसानों को गन्ने का भी तो भाव उन्होंने अच्छा दिया है इस बार, और जो आपकी इस बार सरसों जो एक मिनट, इस बार जो सरसों सरसों जो ज्यादा खरीदी जा रहे, जो ज्यादा बोई है लोगों ने, उसके पीछे का कारण ये है मेरे ख्याल से कि इस बार रेट अच्छा था सरसों, किसानों के पास इतनी सरसों नहीं थी, थोड़ी बहुत लोगों के पास थी इसलिए रेट बढ़ गए। अच्छा अच्छा, उससे ज्यादा मोबाइल का बिल कैसे क्यों हो गया? इस बार अगर आप वोट देंगे तो महंगाई को भी दिमाग में रखेंगे? दिमाग में पूरा पूरा रखेंगे। अच्छा, तो मतलब आप संतुष्ट नहीं है? नहीं जी, मैं कोई जी बदलाव होगा, आधार क्या रहेगा उस बदलाव का? महंगाई। तो सर एक बार बताइए, एक भाई साहब कह रहे थे अभी कि हम हिंदुत्व के नाम पे वोट देंगे, हमें महंगाई से कोई मतलब? महंगाई तो आती जाती रहती है, इसका क्या है? जी अपने रोजगार की बात कही, योगी जी ने तो कहा है कि 4.5 लाख नौकरियां दी इस बार हमने। कौन कह रहा है 4.5? नोटिफिकेशन आया जिसमें 70,000 नौकरियां निकली है, तो नौकरी तो निकाली है उन्होंने। उन्होंने तो बहुत सारी नौकरी सुधा को निकाल के रख दिया बाहर, कौन कह रहा है नौकरी देगी? लोग कहते हैं कि लोग तेल कितना महंगा है, 165-170, पेट्रोल ले लो गैस ले लो 920 रुपये का गैस सिलेंडर, ना सब्सिडी आ रही नहीं कुछ भी आ रहा जी। तो इस बार आप तो सर 2,000 रुपये तो आते हैं ना, किसान किस्त नहीं आती जी? नहीं आते। राजनीति में मतलब क्या, हिंदू और मुस्लिम इस सरकार ने ऐसा कर दिया है कि हिंदू मुस्लिम कर दिया है, दूसरी मतलब हिंदू आदमी पे ऑप्शन भी नहीं है कि मतलब वोट किसको डाले जी जी। तो मतलब मजदूरी बनती है हिंदू आदमी की, ठीक है इन्हीं को दें, इन्हीं को दें, और नहीं तो घर बैठे। योगी जी उसके पीछे का कारण और आधार क्या है सर? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ। तो सर ये जो सबका साथ सबका विकास है, सबका साथ तो नहीं लेके चल रहे हैं? एक भाई साहब कह रहे थे कि मेरे खाते में 15 लाख नहीं, देश हमारा जी, पुलिस हमारी, फौज हमारी, हिंदू मुस्लिम पे वोट किस बात का? जब फौज हमारी है तो हिंदू मुस्लिम का तो होना ही नहीं चाहिए इलेक्शन, केवल ईमानदारी। अरे हिंदुत्व है, फौज हमारी, देश हमारा, फिर हिंदू मुस्लिम का हिंदुत्व का क्या मतलब रहा? तो किसानों के लिए तो एक किस्त दी है उन्होंने, और जो मजदूर हैं उनके लिए ईश्रम कार्ड बनवाए हैं, और तीसरा योगी जी ने कहा है कि जी मैंने 4.5 लाख नौकरियां दी है, रोजगार दिया है, ईश्रम कार्ड बन रहे जी। इससे पहले 2 महीने पहले एक आवाज आई थी कि ठेला मजदूर सब्जी बेचने वाला फेरी लगाने वाले के जो है खाते में पैसे आएंगे, उनके फार्म भरे गए थे गाँव का सर। तो ये नेता लोग कुछ चुनावी मांगे थे, 5 आदमी है गाँव से, लेकिन प्रधान होने और ये पटवारी लेखपाल जो होते इन्होंने 100-100 आदमियों के नाम दे दिए, आज तक किसी की चमन ही नहीं आई, केवल मैं कह रहा हूं। अब आपको क्या लग रहा है 2022 में आपका, 2022 में क्या लगता है आपको? बदलाव आएगा, निश्चित बदलाव आएगा, महंगाई और किसानों से बड़ी परेशान है। छोड़ रहे कौन है? हम तो नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसमें सरकार का अभी यूपी में तो बांध ले आई है और यूपी के जवाब ढूंढ लेते हैं, ढूंढ को आई है नहीं सर। एक बात बताइए, ठीक है आदमी छोड़ा है, सरकार को कुछ तो कानून बनाना चाहिए, यहाँ पीछे बैठ है तो क्या उसको ले जाओ, सर इनके सवाल का जवाब दें आप।
गौशाला 400 देते हैं भैया, उसमें जो 2,000-3,000 ये बता दिए ठीक है, सरकार दे रही है 1,000 रुपए महीने, क्या होगा उसका? वैसे मुझे मरेगी भाई, राजनीतिक दल पर बात नहीं करता जी जी, नहीं करनी चाहिए। आप जैसे युवा अगर सजग नहीं रहेंगे तो देश कहाँ जाएगा? देखिए हम मीडिया वाले लोग हैं, हमारा काम है जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट पूछना, मेरा काम किसी पार्टी से मतलब नहीं, आपके सवाल को पलट के बोलना मेरा काम है और वो वही कर रहा हूँ। कोई नहीं कह सकता है कि मैंने किसी की तरफदारी की है, या कोई कह सकता है कि मैंने सपा या बीजेपी किसी का नाम नहीं लिया है ना, मेरा हमारा चैनल है परिवार टीवी, यहाँ पे खबर अच्छी और बात सच्ची होती है, तो वही काम हम कर रहे हैं। तो भाई एक युवा होने के नाते मैं यही कहूँगा कि सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की रोजगार को होनी चाहिए, देखो मानवता का संरक्षण बढ़िया हो जाए उससे ज्यादा क्या है यार, हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं है सब, अरे टोटल एक तो राजनीतिक मुद्दा है हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, और आज सरकार को हमेशा बीजेपी की बता सकती है और कोई सर, आप कुछ कह रहे थे बाबा, कह रहे हैं कि देश को बीजेपी बचाएगी, बाबा ये बताओ क्या परेशानी आ रही, बताओ तुम्हें पूछो सही ना, परेशानी कह रही है देश बचाओ। हाँ सर आप बताइए क्या परेशानी है? परेशानी ये है, परेशानी है इन लोगों ने अपने मुलायम सिंह ने अपने अपने एरिया के सब मुलायम सिंह भूपेंद्र यादव क्यों नहीं, ये युवा है जितने ये लोग यानी पढ़े लिखे घूम रहे हैं 4 साल से बेरोजगार बिल्कुल हुए जा रहे हैं, मान लो उन्होंने 20,000 भर दिए, ये 40,000 भरे, उन्होंने कर्जा माफ किया अपने थोड़े थोड़े बचाए अपनी तरफ। तो आपका समर्थन मतलब 2022 में कहाँ उंगली जा रही है आपकी? जी जी बताइए आपकी क्या नाराजगी है? मेरी नाराजगी है कि योगी को ये बता दो कि या तो इंतजाम पहले से करने से, गौशाला पहले से इंतजाम करना था और इंतजाम नहीं किया, 5 साल बाद याद आ रहा है जी, तो सर ये जो गाय बछड़े जी छोड़ना इनका इंतजाम इन्होंने नहीं किया, करना चाहिए था सर, पहले इसको आठ पेपर तो प्रतिबंध लगा दिया जी, बेचा गया जी, सही है, और कट्टी घर बंद करा दिया, पहले इंतजाम किया इन्होंने जी, तो इस बात को योगी पे पहुंचाओ अगर हिम्मत है तो जी जी। सर ये पूरा आपका पूरा ये ब्रॉडकास्ट होगा, परिवार टीवी पे आएगा, आप ये बताइए ये जो समस्या आप बता रहे हैं साय और सांड और गायों की, तो इसमें क्या कहते हैं किसान का हाथ नहीं है? किसान भी तो छोड़ रहा है ना इसको, पहले ये करते थे नहीं तो सर, सुनो पहले बात मेरी बात, किसान छोड़ रहा है, सुनिए आप बताइए बात ये है जी, पहले जो है चलते थे तो आ जाते थे गाय बछड़े सफरे जो तैयार तो बछड़ा डालते थे, तो किसान जो कहते बहुत बढ़िया रहो हमारे बाप जैसे औरत को लड़का और गाय को बछड़ा, गाय रहेंगे बंद थोड़ी थोड़ी जमीन रहेगी, ट्रैक्टरों से जुताई है तो इन्हें क्या करेंगे, क्या होगा इन्हें आवारा पशुओं में? आवारा पशु होगा, होगा क्या? हाँ तो मैं आपसे होगा क्या जी, आवारा पशुओं में बोलो बोलो गाय भी है और अन्य पशु भी है तो आप सबको कटवा देंगे? गाय गाय को तो नहीं कट, कोई गाय तो सर जीव तो जीव है उसमें गाय और सांड का क्या मतलब है? गाय मतलब ये है कि जब गुजर गएगी तो भाई तो कोई लगता ही ना रखी देते, मुर्दा को गाय को है नहीं जी, लेकिन बछड़ों ने सिर्फ डर हो रहा है जी, गाय के हाथ का कोई केस ऐसा नहीं होगा जो किसान पाकर पकड़ दी, सांड ही कर रहे हैं जी, सांड को ही इंतजाम होना चाहिए सांडों का, गाय का तो कोई इंतजाम, गाय गाय ज्यादा 100 में 10 होंगी, 100 में 10 90% है सांड। सर मेरी राय है भाई यार ये सब ये तो है मोदी मोदी का ये कुछ हाथ इसमें मीडिया का भी, इतना यार हिंदू धर्म का हम लड़ क्यों रहे हैं ये बताओ सही? अच्छा ये हाँ वही मेरा सवाल था, मैं 75 साल आजादी को हो गए ठीक है, 75 साल में तो मुसलमान ने किसी मारा नहीं किसी को, अब तो मैं हिंदू और मुसलमान का डर क्यों सुना? तो क्या इसके पीछे राजनीतिक चीजें लग रही है? राजनीति है, एक बात बताओ आम जनता, 20 आदमी 100 आदमी को मार सकते हैं पॉसिबल ना, 20% मुसलमान फुल भारत में क्या राज करेंगे हिंदू पे? अरे भाई साहब ये सब राजनीतिक बात है, कभी ऐसा नहीं हो सकता, और तुम मुसलमान की बात कर रहे हो, सबसे ज्यादा शिक्षित जो राज्य हमारा केरल है ठीक है, केरल में जो आबादी है मुसलमान की है मोस्टली, मुझे ज्ञान तो नहीं है कितना है लेकिन वो तो सबसे नंबर वन पे, वहाँ तो नहीं मुसलमान हिंदू को नहीं मार रहा है। हेलो बाबू जी हम बोल रहे हैं, इस वीडियो के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, सब्सक्राइब करें परिवार टीवी, खबर अच्छी बात सच्ची।